जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा एक टॉपिक हम नया लेके आए हैं आज के सामने, इसको बोलते हैं सड एंड इंडिसेस, घातांक एवं करनी। ये आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आपके सामने। इससे पहले हमने एलसीएम एसएफ पर पूरे क्लास लिए हैं, वो क्लास नहीं देखा है तो आप उसको पहले से देख लीजिएगा, ठीक है। सड एंड इंडिसेस को पढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यदि आप बैठे हैं तो पेन कॉपी लेके साथ में बैठिएगा ताकि आप एंट्री कर सकें, क्योंकि इस क्लास का पीडीएफ आपको शायद ही प्रोवाइड करा पाऊँगा, उसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहला हमारा थ्योरम हमने लिखा है एक्स की घात एम और एक्स की घात एन को हम लिख सकते हैं एक्स की घात एम प्लस एन में, ठीक है। यहाँ एक्स का मतलब हम समझते हैं, हमने दो जगह एक्स लिखा है, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ दोनों जगह एक ही संख्या आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्स की घात एम गुना एक्स की घात एन, इसका मतलब ये यह है यहाँ भी दो रखूँगा तो यहाँ भी दो रखूँगा, यहाँ पाँच रखूँगा तो मुझे यहाँ भी पाँच रखना है ना, इस प्रकार यहाँ 10 रखना है तो मुझे यहाँ भी 10 रखना है ना। क्वेश्चन में कई बार गलती कर बैठते हैं कि दोनों जगह अलग अलग वैल्यू रख देते हैं, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमको इसको प्रूफ करना है, प्रूफ के लिए हम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे ताकि वो प्रूफ हो जाए, बाकी बड़ा एग्जाम्पल हम इसमें लेके नहीं चलेंगे क्योंकि बाद में इसको क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करना ही है, ठीक है। तो यदि मैं एक्स की जगह दो ले लूँ, ठीक है, एक्स की जगह दो ले लूँ और इसका पावर तीन ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स की जगह दो ले लूँ इसका पावर दो ले लूँ, तो पहले मैं प्रोसेस से बताता हूँ, उसके बाद हम इस फार्मूले में या फिर इसका जो संक्षिप्त रूप है उसमें रखेंगे। तो दो का क्यूब कितना होता है, दो का क्यूब हो जाएगा 8 और दो का स्क्वायर हो जाता है 4, तो ये होता है 8 चौके 32, ठीक है, फाइनल आंसर। अब मैं इसमें रखता हूँ तो दो हो गया, एम का मतलब 3 था, एन का मतलब 2 था, ठीक है, तो 2 की घात 5 हो गया और 2 की घात का 5 का मतलब भी 32 होता है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ऐसे बनाना था, ठीक है। पहला हमने प्रूफ कर दिया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है एक्स की घात एम गुना वाई की घात एम, ठीक है, एक्स की घात एम और वाई की घात एम, इसका मतलब ये है यदि पावर समान है ना और राशि अलग अलग है, देखिए यहाँ एक्स और वाई लिखा हूँ मैंने, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई और पावर को हम कॉमन लिख सकते हैं, ऐसा ही बात है, पक्की बात है। चलिए अब इसमें कुछ छोटा छोटा आंसर लेना है ना, हमको एग्जाम्पल छोटा छोटा लेके चलना है, ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल हमको लेके नहीं चलना है। तो मैंने एक्स की जगह लिख लिया 2 और इसकी पावर लिख लिया 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने वाई की जगह लिख लिया 3, देखिए मुझे पावर सेम करना है ना, क्योंकि दोनों जगह मैंने एम लिख के रखा है तो पावर मुझे सेम लिखना पड़ेगा, नीचे वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। प्रोसेस से पहले बनाते हैं, ठीक है, तो 2 की घात 2 होने पर हम यहाँ 4 आंसर आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 आ गया। अब इसी को हम संक्षिप्त रूप में लिख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 3 पावर 2, ठीक है, इतना है। अब 2 3 6 होता है 6 की घात 2 और 6 की घात 2 का मतलब है 36, ठीक है। इस प्रकार हमने सेकंड वाले को भी प्रूफ कर दिया। अब अगले में चलते हैं, अगला है हमारा x की घात, यदि यहाँ m है और x की घात n है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x की घात m गुना n लिख सकते हैं, पावर को हम मतलब गुना कर सकते हैं, यही बात है, ठीक है। फिर से इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं छोटा छोटा संख्या इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे आराम से आपको बताते बने, बड़ा संख्या लेने से कोई मतलब नहीं है, बस उद्देश्य है कि वो प्रूव हो जाए। तो मैं यहाँ लेता हूँ 3, तो 3 की घात मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और बाहर में 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यदि मैं इसको प्रोसेस से बनाऊँ तब कैसे बनेगा ये, यदि मैं प्रोसेस से बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ये 3 3 9 हो गया है ना और ये हो गया 3, अभी होता है 9 81 और 81 को फिर से एक बार 9 से गुना करें तो क्या होगा, 9 × 9 और 9 8 72 कितना हो गया, 729, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा अंदर में, 729 आ जाएगा ये, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। अब मैं इसको संक्षिप्त रूप में लिखता हूँ, तो यह 3 हो गया और यहाँ मैंने लिखा था 2 और ये 3, ठीक है, 2 और 3 लिखा था, तो ये 3 हो जाएगा, 2 3 6। अब 3 का मैं 6 बार लिखूं, 3 को 6 बार लिख के गुना करूं तो मुझे भी 729 ही मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये ऐसा बनाना है। तो हमने आपका तीसरा वाला भी प्रूफ करके दिखा दिया, अब चौथे की बारी है, अब बारी चौथे की, चौथा क्या बोल रहा है, एक्स की घात एम और
एक्स की घात एन, यहाँ याद रखिएगा एक्स दोनों जगह समान है, मैंने भले ही लिखित में थोड़ा अलग लिख दिया है पर एक्स दोनों एक ही है, ठीक है लिख ही देता हूँ, ये एक्स की घात एम और एक्स की घात एन, इसका मतलब हम लिख कैसे कर सकते हैं, जो ऊपर वाले पावर को नीचे वाले पावर से हम इसको माइनस कर सकते हैं, ऐसा लिखना है। प्रूफ करके देखें तो दो की घात यदि मैं ऊपर 3 लिख देता हूँ और नीचे 2 की घात लिखता हूँ क्या 2, तो यदि मैं इसको प्रोसेस से बनाऊँ तो कैसे लिखूँगा, मैं ऊपर 2 की घात 3 है मतलब ये 8 हो गया और नीचे 2 की घात है तो 4, तो 4 × 8 मुझे 2 आंसर मिला, ठीक है। अब इसको इस तरीके से बना के देखते हैं, एक्स का मतलब होता है मेरे पास 2, ठीक है, एम का मतलब है 3 और एन का मतलब है 2, ठीक है, तो 2 3 में 2 गया तो 1 बचा, अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आया 2, ठीक है, ऐसा आपको बना के देखना है, बाकी प्रूफ करने वाला नहीं है, जो प्रूफ करने था मैंने प्रूफ कर दिया। एक एक 7 नंबर देख लेते हैं, 7 नंबर को कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, उसके बीच में देख लीजिएगा किसी एक्स का पावर, यदि किसी संख्या का पावर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1, किसी ये संख्या का पावर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1, ये है। और कुछ इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन अगर लिखा गया है -1/m है तो हम इसको 1 की नीचे लिख सकते हैं 1/m इस प्रकार से, ठीक है, तो इसमें प्रूफ करने वाला नहीं है ये, है ना, जिसमें प्रूफ करना होगा मैं आपको बता दूंगा, जैसे अभी 7 नंबर में आपको प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगा, कैसे देख लीजिएगा, 7 नंबर क्या कहता है, ये a है और अंदर m है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो a की घात 1/m लिख सकता हूँ, ठीक है, a की घात 1/m लिख सकता हूँ, देखिए कैसे होगा ये, जो कोई भी चीज़ जो होती है ना उसको हम उसको पावर में लिख सकते, जो यहाँ जो चीज़ दी रहती है ना ये है हमारा करनी, करनी बोलते हैं या फिर इसको रूट बोलते हैं, तो रूट के बाहर जो वैल्यू यहाँ लिखा है ना, रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, कुछ नहीं लिखा है तब 1 है, और कुछ लिखा होगा तो, है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है और कुछ लिखा होगा तो ऐसा, तो यहाँ एम है, अब एम को हम कैसे लिख सकते थे, तो ए 1/m, ठीक है। अब आप एक रोचक जानकारी देखेंगे, जैसे इस है ना, इसके अंदर यदि ए है और इसका मैं पावर कर देता हूँ तब ये रूट हट जाता है, रूट हटता कैसे है देखिएगा, इसी पर बेस्ड है ये, ठीक है, रूट हटता कैसे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, याद रखिएगा कुछ नहीं मतलब 1 नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 2 है, रूट है ना तो कुछ नहीं है मतलब 2 है, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो ए की घात 1/2 लिख सकता हूँ, ये वाला 2 है ना, और गुना में पावर है, गुना में पावर है तो इस 2 को ये 2 काट देता है, तब लास्ट में हमारे पास बचता है ए, ए मतलब अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये इसका एक्सटेंडेड रूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फिर इसी प्रकार लिखा गया एक्स की घात एम और एन हो तो, चलिए तो एक्स की घात एम बराबर एक्स की घात एन, यहाँ देखिए यदि यहाँ बेस समान है ना, तो इसका पावर समान हो जाता है, पावर मतलब इक्वल हो जाएगा, समान नहीं इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बेस समान था x, यहाँ भी x, यहाँ m, यहाँ n, तो यदि बेस समान है तो पावर समान हो जाएगा। उसी उसके उल्टा जैसे ए एम बराबर है ना ए एन है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ भी बेस समान हो गया, उल्टा थोड़ा कर लेता हूँ, ये हो जाएगा बी एन है, यदि पावर समान तो बेस समान, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ये वाइस वर्सा दोनों चलता है, ठीक है। अभी ये वाला मैंने बता दिया है 9 नंबर वाला आपको क्वेश्चन में, ये हो गया, बाकी नेक्स्ट और देखते हैं 10 नंबर, 10 नंबर क्या है, 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, यदि हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो हमको उसके पावर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यदि हम उसको उल्टा लेके जाएंगे तो उसके पावर हमको माइनस करना पड़ता है, ये हो गया। बाकी अभी 11 हमने पावर और बेस में देख लिया, लास्ट एक और देखते हैं, x की घात m बटा n इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x की घात 1/n लिख सकते हैं, है ना, m और ये सॉरी अंदर में m कर सकते हैं, या फिर अंदर में n करके 1/m ऐसा लिख सकते हैं, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। एक लास्ट देखेंगे उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलेंगे, सबसे लास्ट ये देखते हैं हम कि यदि x और y ऐसा है और इसका पावर अंदर है, तो ये जो m का गुना अंदर दोनों संख्याओं से होगा, तो ये हो जाएगा x की पावर m और y की पावर m, ठीक है,
उसी प्रकार एक और है कि x y है और इसकी पावर माइनस में है। यदि इसकी पावर को हम माइनस में है, यदि इसकी पावर को हमको प्लस में करना है, तो जो अंदर जो वैल्यू है x और y उसको बस आपको बदलना पड़ेगा ऐसा ऊपर नीचे, फिर ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। आज थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे इसको मैंने पहले भी बताया है जब मैं इसका आपको भिन्न पढ़ा रहा था। ठीक है, तो हमको ये देखना है 2 की घात 3 और 2, ये पूरे की घात 2, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अभी हमने देखा था ना कि इसका पावर गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 3/2 हो जाएगी। इसका मतलब 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मतलब है 64। ठीक है, 2 की घात 6 का मतलब है 64। इसके विपरीत देखिए एक क्वेश्चन जहां आपको कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है, 2 की घात 3 और इस 3 की पावर है 2। ठीक है, इस 3 की पावर है 2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखिए ये 2 है, इस 3 को हमको 2 बार गुना करना है, ना कि 2 को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 * 3 = 9, मतलब 2 की घात 9 हो जाएगा। 2 की घात 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 512। ठीक है, 512। देखिए दोनों में बेसिक अंतर है, एक को यदि हमने कोष्टक लगा के बाहर कर दिया तो वो अलग ही वैल्यू देगा, और कोष्टक नहीं है तो वो अलग वैल्यू देता है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसी पर हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। 36 1/2, 36 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बाकी ये 2 है। अब ये 2 पावर है, इसको मैं बाहर निकालूंगा, बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 1/2, इसको मैं काट दिया, बचा मेरे पास 6। ठीक है, बचा मेरे पास 6। इसके करने का एक और तरीका है, ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, और तरीका क्या है, ये देखिए ये 36 है ना, ये बाकी 1/2 है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 36 है ना। अभी मैं उसको मैं आपको बताया था ना, जैसे यदि यहाँ m लिखा हूँ, ये अंदर a है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, इसको मैं 1/m ऐसे लिख सकता था ना। तो जो जिसको मैं 1/m लिख सकता हूँ, उसको मैं रिवर्स फॉर्म में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो वही इसको लिखा गया है। अब क्या होगा, अंदर क्या है, 6 × 6 जोड़ा बन गया, बाहर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए, अगला हमारे पास है 81 की घात 3/4। देखिए क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान दीजिएगा, जो नीचे का जो संख्या रहेगा ना वो कटने वाला होता है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिखने पर मुझे 81 मिल जाएगा, और ये हो गया 3/4। अब इस 4 को मुझे बाहर निकालना है, तो 3 हो जाएगा 4 और 3/4, ये 4 कट गया, बचा क्या, 3 की पावर 3, ये कितना होगा, 27 हो जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 1/64। ठीक है, 1/64 है, इसकी पावर है 2/3, 2/3 है। मैंने अभी जस्ट पहले बताया है, यदि पावर को यदि आपको प्लस में करना है तो ऊपर नीचे आपको पलटना पड़ेगा, है ना। इस 64 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 64, 1 को नीचे ले जाएंगे तो 1, लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हमारा पावर हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2/3। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हमको 3 के फॉर्म में लिखना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, 3 को फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में, तो क्या मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ 64 को, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4 × 16 16 × 64, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बाहर आएगा तो बचेगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, 64 दे दिया। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, 64 की पावर है -1/6। ठीक है, 64 की पावर है -1/6। यदि मुझे माइनस, देखिए माइनस में है ना, 64 के ऊपर 1 तो लिखा नहीं है, है ना, लिखा नहीं है, तो क्या करूँगा, मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाऊँगा तो नीचे 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 64 1/6। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 64 को, क्या मैं 2 2 की घात 6 लिखूँगा,
दो की घात छः लिखने से ये एक बटा छः से कैंसिल कर देगा ये, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है माइनस 1/25, इसका पावर है -2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले यदि हम पावर को प्लस कर लें, है ना, पावर को प्लस करेंगे तो 125 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, एक को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको मोड़ देते हैं, तो ये हो गया 125/1। एक लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक हम लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका पावर देखिए, लेकिन ये माइनस में रहेगा ना, देखिए माइनस ये वाला चेंज हुआ है, पावर वाला सामने का माइनस, वो जो कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या, 5 का क्यूब माइनस में रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। और ये 2/5, 5 से ये कट गया, ठीक है। अब -5 को दो बार गुना करना है, तो -5 गुना -5, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 25, ये आंसर हो जाएगा मेरा 25। इस प्रकार इसी में खाली करके लिखता हूँ फिर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला, ये देखिए ये है मेरे पास 3 और ये 27 की घात 4, ठीक है, 27 की घात 4। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 3 है, 3 इसके बटे में आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 27 4 की घात 3, ये 4 और ये 3। अब 27 को मुझे ऐसा तोड़ के लिखना है जो 3 से कट जाए, तो 27 को कैसे लिख सकता हूँ, कि 3 की घात 3 आ सकता है क्या, 3 की घात 3 गुना 4/3, 3 को 3 बार गुना करूँ तो मुझे 27 मिलता है, ठीक है, ये मैंने काट दिया। अब 27 की घात मुझे है 4, सॉरी 3 की घात मेरे पास 4 है, 3 की घात 4 को मतलब 9 3 9 9 81 ये हो जाएगा, ये इस प्रकार मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट वाला आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट वाले क्वेश्चन में क्या है, दशमलव 1 2 3 और ये 32, ठीक है, अंदर अंदर भी ये दशमलव है। अब इसे हमको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम दशमलव हटाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमको पावर का भी दशमलव हटाना है और नीचे बेस वाला भी। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 32, कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो नीचे हमारे पास 5 0 आ जाएगा, कितना 0 5 0 आ जाएगा। तो 5 0 को क्या मैं इस प्रकार ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी ये 8 हो गया ना, मुझे 5 ही लिखना था, ये ऐसा 5 लिखना, 5 लिख दिया। अब इसका भी बेस हटाना है मुझे, तो इसका बेस हटाऊंगा तो डॉट 6 है, तो ये हो जाएगा 6/10, ठीक है। कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये 5 बार में, ठीक है, तो ये 3/5 मेरे पास आ गया। उसके बाद देखिए 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या 32 को मैं 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 32 को मैं 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, 10 का तो पावर 5 है ही, बाहर 3/5 मेरे पास पड़ा हुआ है। अब इस 5 को मैं बाहर निकालूंगा तो 2/10 अंदर में रहेगा, पूरे का 2 बाहर निकलेगा, शेष मेरे पास 3/5 पहले से है ना, ये 5 है ना, 2 नहीं, तो ये पूरा कट गया, ठीक है। ये पूरा कटने के बाद 2/10 का पावर क्या हो गया, 3, तो 2 का क्यूब करूँगा तो 8 हो जाएगा, और 10 का क्यूब करूँगा तो 1000 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 243 की पावर है 0.12, ठीक है, देख मैं 0.12 कैसे लिखा गया, ये 0.12, ठीक है। इसको हमको गुना करना है, 243 पावर क्या है, 0.08। पता है यदि बेस समान है हम तो उसको पावर को हम जोड़ सकते हैं, है ना, यदि गुना के फॉर्म में है, बेस समान है तो हम इसके पावर को जोड़ सकते हैं। पावर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.12 है, ये 0.8 है, तो ये हो जाएगा 0.20, मतलब हाँ ठीक है, 243 हमारा सेम है, तो इसका पावर हो जाएगा, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 हो जाएगा। अब मुझे दशमलव को हटाना है, तब क्या करूँगा मैं, 243 है और दशमलव को हटाना है तो 20 और नीचे 100, 2 0 हटाना है,
पाँच चौके बीस, पाँच एम 25, पाँच चौका 20, पाँच एम 25, ठीक है। एक मिनट है ना, इसको मैं गलत फिर से काट दिया, ये 100 है ना, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 हो गया। फाइनली मेरे पास क्या बचा है, 243 का पावर 1/5 बचा है, ठीक है। अब 43 को हमको 5 के बारे में, 5 कटे ऐसा कुछ तोड़ना है, तो कैसे तोड़ सकते हैं, 3 के पावर 5 करने से 243 आता है गुना 1/5, ठीक है। तो इस 5 से ये 5 गया, बचा हमारे पास 3 आंसर में, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3x की पावर 12/59 बराबर 39 की जो पावर है वो है 12/59। यहाँ देखिए, यहाँ पावर समान है, ठीक है, तो जहाँ पावर समान होता है वहाँ बेस समान हो जाता है ना, ये हमने देखा था। तो इनके पावर समान है तो इसके बेस समान हो जाएंगे, पावर समान है तो इसके जो बेस है वो समान हो जाएंगे, तो 3x बराबर 39, ठीक है। 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 13 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, ये हमारा आंसर, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 13। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसी को मैं डिलीट कर देता हूँ। 16x+1=64/4x, सॉरी सॉरी, ये हमारा x की पावर है ना, ये x की पावर में। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 16 को सॉल्व करेंगे, 16 को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2 लिख सकता हूँ मैं, 4 की घात 2 लिखता हूँ, तो x+1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, और नीचे है 4x, ठीक है। अगला स्टेप मेरा क्या होगा, 4 की घात ये 2x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है 2x 2 हो जाएगा प्लस, अभी नीचे 4 ऊपर 4 बराबर हो गया, तो इसके जो घात हैं वो घट जाएंगे, तो 4 की घात 3 -x हो जाएगा, है ना, 4 की घात 3 -x। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसके बेस समान हो गए, यहाँ जो इसके बेस हैं ये बेस समान हो गए, बेस समान होने पर पावर समान हो जाता है, बेस समान होने पर पावर समान हो जाता है, तो 2x+2=3 -x, ठीक है, ऐसा इक्वेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब एक साइड, एक से इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू निकालना है ना, तो 2 इधर जाके 5 हो जाएगा, तो इधर जाके 3x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3x/1, ठीक है। 2 इस साइड जाके माइनस हो गया, तो अब x का मान निकालना है, तो 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज का एक लास्ट क्लास देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है, 3 और ये 2 है, ये उसके पावर में, ठीक है। उसके बाद है गुना 2 गुना 3 के क्यूब, ये 3 इस प्रकार, और गुना 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने बताया है कि जो इसके रूट के ऊपर है वो मूल संख्या के नीचे आ जाएगा, कैसे होगा, तो 2 और 1/3 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, ठीक है, मैं बताया था कुछ नहीं मतलब 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1/2, ठीक है, गुना 3 1/3 गुना 3 1/2, ठीक है। अब जिसकी जिसकी बेस समान है और जो गुना में है तो आपस में गुना हो जाता है, इसके पावर आपस में गुना हो जाएंगे, ये पावर है ना, गलती से मैं ऐसे नीचे दिख रहा है आपको, तो ये 2 है और 1/3 गुना 1/2 ऐसा लिखना है, गुना इसका भी पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 1/3 गुना 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 3 दूनी 6 1/6 हो गया, ठीक है, गुना 3 3 हो गया ना, उसके बाद 3 दूना 6 ये भी हो गया, तो 1/6 ये भी हो गया।
अब देखिए है ना, इसके पावर समान है। देखिए पावर से फिर लेना देना नहीं, गुना में है ना, तो ये दोनों गुना हो जाएगा और पावर आपस में एक, क्योंकि पावर सेम है तो इसके जो पावर सेम होने की वजह से ही सॉरी यहाँ पे ना मुझे गुना कर दिया, जबकि मुझे पावर को ऐड करना था। ठीक है, मुझे पावर को यहाँ ऐड करना था, मैं इसको गुना कर दिया, मैं इसको पावर को ऐड करने के बजाय गुना कर दिया। यहाँ प्लस का निशान होगा, यहाँ भी प्लस का निशान होगा। ठीक है, अब देखते हैं, दो हो गया नीचे, सब नीचे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर 3 × 2 = 6, 3 ये 5 हो जाएगा गुना। उसी प्रकार 3 है, यहाँ भी ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 5 × 6 = 6, इस प्रकार होगा। ठीक है, मैं उसको गलती से गुना कर दिया था। अब ये गुना है, ठीक है, अब ये गुना है। देखिए अब इसके पावर समान हो गए क्या, देखिए तो इसके पावर समान हो गए। पावर समान होने पर हम इसको अलग कर सकते हैं, मतलब क्या होगा, 2 × 3 लिख कर मैं इसको 5/6 लिख सकता हूँ, और अंदर हो जाएगा 6 और ये 5/6। ठीक है, 5/6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, 6 की घात 5/6, इस प्रकार ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।